अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब हमने क्या करना है, पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी, उसमें से हमने रूट्स को डिफाइन करना होता था। यहाँ पे हमने रूट्स दिए हुए हैं, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। गिवन रूट्स आर -2 एंड 3। सबसे पहले क्या करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है। तो -2 + 3 हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ रूट पी इज इक्वल टू -2 * 3 -6 हो जाएगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, x² - sx + p = 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन की फॉर्मेशन क्या है, x² - sx + p = 0। s क्या है, सम ऑफ रूट्स, एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पे s और p की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास x² - x - 6 = 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसका है जी व्हाट, 1 + iota 1 - iota। अब गिवन रूट्स जो है वो 1 + iota और 1 - iota, उनका सम कितना आ जाएगा, 1 + iota + 1 - iota, तो 2 के इक्वल आ जाएगा। प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1 + iota * 1 - iota, तो a² - b² वाला फार्मूला बनेगा। तो 1 का स्केयर - iota का स्केयर, 1 - (-1), चूंकि iota स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, x² - sx + p = 0, x² - 2x + 2 = 0। उसके बाद है h पार्ट इसका, 3 + √2 3 - √2। सम ऑफ रूट्स क्या होगा आपके पास, 3 + √2 + 3 - √2, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 3 + 3 = 6 आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट लेंगे, a² - b² वाली फॉर्म बन जाएगी, तो 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, और √2 का स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 बन जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 9 - 2 = 7 की आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, x² - 6x + 7 = 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² - 3x + 6 = 0, देन फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर। अब हमने क्या करना, उसने हमें इक्वेशन दी है, गिवन इक्वेशन x² - 3x + 6, और बाकी उसने रूट्स दे दिए हैं, उनको हमने यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। गिवन इक्वेशन हमारे पास x² - 3x + 6 = 0 है, ए बी और सी की फॉर्म में लिखा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आएगा, अल्फा बीटा 6 आ जाएगा। गिवन रूट्स क्या है जी आपके पास, 2 α + 1 2 β + 1। अब अगर आप इनका सम ऑफ रूट्स लेंगे तो s = 2α + 1 + 2β + 1, अल्फा और बीटा को कंबाइन करेंगे 2 कॉमन आ जाएगा, α + β + 2 हो जाएगा, α + β की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपके पास s = 8 आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट है 2α + 1 * 2β + 1, प्रोडक्ट लेंगे उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4α β + 2 * α + β + 1, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और α + β की वैल्यू पुट करेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास 31 आ जाएगा। अब हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, x² - sx + p, तो ये आ जाएगा x² - 8x + 31 = 0। इसके बाद ये है α + β and 1 over α + 1 over β। अब हमें पता है कि α + β हमने निकाले हुए हैं, 3 है और α β 6 है। सम लेंगे α + β + 1 over α + 1 over β, एलसीएम लेंगे तो α + β over α β हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 3 + 3 over 6 हो जाएगा, 1 over 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 7/2 हो जाएगा। सम आपके पास आ जाएगा 7/2। अब प्रोडक्ट की बात करेंगे, α + β * 1 over α + 1 over β, अगेन सिंप्लीफाई किया, α + β over α β, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 3/6 हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 6, तो 2 आ जाएगा, 3/2, तो प्रोडक्ट आ गया आपके पास 3/2। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, x² - sx + p = 0, x² - 7/2x + 3/2 = 0। अब ये फ्रैक्शन में अगर हम यहाँ तक भी रखें ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसकी फ्रैक्शन अगर खत्म करूँ तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2x² - 7x + 3 = 0। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन px² + px + q = 0, देन फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा। अब गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है, x² + px + q = 0,
ए आपके पास 1 आ जाएगा, बी पी आ जाएगा और सी क्यू आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी आ जाएगा और अल्फा बीटा क्यू आ जाएगा। गिवन रूट्स अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा सम लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के हमारे पास डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, ये आपके पास सम आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या है, अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो प्रोडक्ट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास क्या था, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, एक्स आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या किया, क्यों से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा क्यों एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट।